आज पेपर था बीपीटी यानी कि बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी और एक है एमए इन पॉलिटिकल साइंस में। एमए इन पॉलिटिकल साइंस के कैंडिडेट हमें मिले हैं, आप अपना नाम बता दीजिए और आप कहाँ से आए हैं। मेरा नाम काजी गरीब नवाज है, मैं बिहार से आया हूँ। बिहार के किस ज़िले से? पूर्णिया से आया हूँ। आज का पेपर आपका कैसा गया ये बताइए। बहुत अच्छा रहा पेपर, उसमें जो क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, प्रीवियस के हिसाब से बहुत ही ईजी रहा क्वेश्चन, पिछले साल के मुकाबले ईजी था। तो कोई अगर एमए इन पॉल साइंस करना चाहता है तो उसे कैसे तैयारी करनी चाहिए? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि इस साल के क्वेश्चन के हिसाब से कि वो जो इंडियन पॉलिटी है बेसिक स्ट्रक्चर वो पढ़े बढ़िया से, और प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है उसको बढ़िया से एनालिसिस करें, और करंट अफेयर्स कुछ पढ़ें, तो इंशाल्लाह श्योर है कि वो उसका हो जाएगा। आपने कहीं कोचिंग करी या फिर सेल्फ स्टडी किया, कोई बुक लगाया आपने? मैं तो कहीं कोचिंग वोचिंग वगैरह नहीं की है, मैं खुद से पढ़ा हूँ और प्रीवियस क्वेश्चन को देखा था, और जो इंडियन पॉलिटी है उसका स्ट्रक्चर मैंने बढ़िया से पढ़ा, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका उसको बारे में हमने पढ़ा, तो इससे लगता है कि मेरे लिए फ़ायदा हुआ और उम्मीद है कि इसमें हो जाएगा मेरा। कट ऑफ कितनी जाती है एमए पॉल साइंस की? इसमें जनरली देखा जाए तो जनरल के लिए 75 जाती है, लेकिन इस साल ज़्यादा जा सकती है क्योंकि इस साल पिछले साल के हिसाब से क्वेश्चन बहुत ईजी था। अच्छा, तो इसमें कितने सवाल पूछे जाते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। और इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, वेटेज है कि इस डिपार्टमेंट से इतने नंबर के सवाल पूछे जाएंगे या फिर इतने सवाल पूछे जाएंगे? जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो प्रीवियस क्वेश्चन जो था तो 50% जो था थिंकर्स और वेस्टर्न पॉलिटिक्स था और इंडियन पॉलिटिक्स था, लेकिन इस साल जो देखा जाए तो इस साल ऑल ओवर जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादा था, और थिंकर्स कम साइज में और वेस्टर्न पॉलिटिक्स भी कम था। कोई बुक रिकमेंड करना चाहेंगे जो एमए पॉल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं? नहीं, इस साल के हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इंडियन पॉलिटी है वो जो ग्रेजुएशन ने पढ़ा है और जो जनरली जो पूछा जाता है एग्जाम में वो चीज़ बढ़िया से पढ़ ले वो, और कुछ वेस्टर्न पॉलिटिक्स पढ़ ले, और जो बुक है उसका राइटर का नाम पढ़ ले, और करंट अफेयर्स देख ले, तो उसके लिए श्योर है कि हो जाएगा। बहुत ईजी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम चाहते हैं कि आप जामिया का पार्ट बन जाए। वैसे आप पहले से जामिया के पार्ट हैं, स्टूडेंट हैं यहाँ के? जी, मैं पहले से यहाँ पे हूँ, मैंने बीएड यहाँ से किया है, सर मैंने फाइनल बीएड का एग्ज़ाम दे दिया है। चलिए, एक बार फिर से हम बधाई देते हैं कि आप पहले से ही पार्ट हैं, आगे के भविष्य के लिए आप जामिया का फिर से पार्ट बने, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।